नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां करीब 16 महीने पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, उसके बाद शराब नीति से जुड़े हुए घोटाले में मनीष सिसोदिया को, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अब गिरफ्तारी की तलवारें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटकती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ईडी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक समन जारी किया था। उस समन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की ईडी ने अपील की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वह चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और अभी ईडी के किसी भी सवाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद से हम लगातार जो है ईडी और जो भी जांच एजेंसियां हमारे जो मामले हैं उनसे संबंधित जांच करना चाहती हैं उनके तमाम सवालों का जवाब देने को तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि अब ईडी की गिरफ्त के बाद और लगातार जिस प्रकार से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, उसी आधार पर अब आम आदमी पार्टी ने एक नया पैंतरा चला है। आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली के घर घर हर मोहल्ले में जाकर के आम आदमी पार्टी के चाहे नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो या निगम पार्षद हो, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं और उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सारे दावे जो हैं ये इकट्ठे करके और अरविंद केजरीवाल को जो है बचाने की प्रक्रिया जो जारी रखी जाएगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर करीब 45 करोड़ रुपए के जो हाउस रेनोवेशन केस का मामला है उस पर घोटाले का आरोप है। तो आगे देखना यही होगा कि क्या केजरीवाल भी ईडी की गिरफ्त में आकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो शक के घेरे में आ जाती है, क्योंकि बीजेपी पिछले लगातार कुछ वक्त से लगातार जो है सवाल उठाती रही है और आरोप भी लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बड़े घोटालों में शामिल हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।